नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर बलराम किसान जी के साथ में आज हूँ एमपी इच्छापुर, इच्छापूर्ति माँ देवी के चरणों में। यहाँ पे कुछ किसान मित्र जुड़े हुए हैं बी किसान से और गाइडलाइन वगैरह फॉलो कर रहे हैं। आइए देखते हैं 70-30 कंसेप्ट इन्होंने किया हुआ है, काफ़ी लाभ इनको मिला है क्योंकि इस साल काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई है बुरहानपुर क्षेत्र में CMV को लेकर, लेकिन इन्होंने बी किसान को फॉलो किया है। हर समय हर बार फ़ोन पर बात करना और गाइडलाइन लेना 100% कहीं पे भी नहीं दिखता है मित्रों, लेकिन अंदर आने के बाद समझ में आता है। किसान बाहर बोलते हैं सर पूरा फॉलो किया हुआ है दिखाई दे रहा है लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी शायद 5.5 या 6 हो सकती है। जिगजैग में नहीं है, सामने है, लेकिन प्रॉपर गैपिंग है रेडिश ग्रीनिश और ब्लैकिश, हर पत्ते में गैपिंग और आने वाला हर सेंटर पौंगा एकदम बढ़िया। किसान मित्र भी है साथ में, इनके साथ में जो प्लांट लगे हुए थे शायद निकाल कर फेंक दिए हैं, ये G9 प्लांट लगा हुआ है। काफ़ी रिपेयर है, यहाँ पे भी है पौधे लेकिन प्लांट को निकाल कर नहीं फेंका है। ये CMV सिम्टम वाले ही पौधे हैं जो एकदम ख़राब हो गए, अभी थोड़ा सा पौंगा निकाल रहे हैं लेकिन फेंकने की गुंजाइश नहीं की है। बाकी अदर पौधे एकदम बढ़िया और अच्छे हैं। पूरा प्लॉट निकालने के लिए बोला था। आइए किसान से ही सुनते हैं क्या है किसान का दुख दर्द। नीचे तक पत्ते एकदम ग्रीन हैं, यानी कि मोटाई वगैरह एकदम बढ़िया है। भूषण भाई आपका नाम एड्रेस बताइए और हम लोग कहाँ पर आए हुए हैं। मेरा नाम है भूषण गोविंदराव पवार, ग्राम इच्छापुर, तहसील जिला बुरहानपुर। ये कौन सा पौधा लगा हुआ है और इसमें क्या क्या दिक्कतें आई और कहाँ? रेवा का पौधा है G9 और बी किसान का पूरा शेड्यूल यूज किया हुआ है मैंने। अच्छा अच्छा, G9 पौधा लगाया हुआ है। हाँ सर, आपके क्षेत्र में इस साल काफ़ी गड़बड़ियाँ रही जैसे CMV इफेक्टेड। हाँ, जो भी पौधे हैं अदर कंपनी के अंदर सर बहुत सी दिक्कत आई और CMV के कारण बहुत से प्लाट मतलब फेंके गए हैं। अच्छा, और कितना बी किसान के शेड्यूल के हिसाब से अपन आज के हिसाब से बहुत सही है। अच्छा, मतलब फेंकने की नौबत नहीं आया। आपको भी कई लोगों का सजेशन रहा होगा कि इस प्लॉट को निकालना है या रखना है, कुछ आए थे? ऐसी दिक्कत आई नहीं सर मुझे, बी किसान से जुड़ा रहा तो अभी तक मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। वो प्लॉट आप देख सकते हो सबसे बेहतरीन प्लॉट चल रहा है अपना। अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छा है, आपकी मेहनत भी है और आपके मेहनत का फल अच्छा मिलने वाला है ये देखने से ही पता चल रहा है। हाँ सर, आने वाला सेंटर पूंगा लंबाई अच्छी है, ग्रीनरी भी अच्छी है, पत्ते भी एकदम सब एकदम बढ़िया सर, एक नंबर प्लाट चालू है और बी किसान की मार्गदर्शन हेतु प्लाट में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है सर मुझे। ओके, इसमें आप लोगों का सहयोग है, हम लोग तो है ही आपके साथ में। हाँ सर, कितने महीने का प्लॉट हुआ है भूषण भाई? अभी तक मान के चलो 4 महीने 5 दिन का प्लॉट है सर। 4 महीने 5 दिन का प्लॉट है। कब लगा हुआ है ये? ये लगा है 10 जून को। 10 जून 2022। पवन भाई कितने पत्ते हैं देखो, कितने पत्ते आ गए हैं। ये थोड़ा सा भूषण भाई के साइड में 18-19-20 पौधों पत्तों के लगभग है क्योंकि ये 2-3 पत्ते नीचे और गिरे हुए हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, मतलब एक 20 पत्ते भी है तो 4 5 20 सही महीने अच्छा चल रहा है प्लॉट, है ना। 20 पत्ते तो कैलकुलेटली हो ही रहे हैं, एक महीने के 5 पत्ते। बीच में क्लाउडी इन्वायरमेंट भी रहा, कई बारिश भी रही बहुत सारी दिक्कतें भी आई बीच के अंदर, लेकिन एज इट इज़ गैपिंग वगैरह प्रॉपर है। और अभी सिगा टोका वगैरह के लिए कुछ स्प्रे शेड्यूल वगैरह लिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे वाले पत्तों पे ये बुनकी दिख रही है। हाँ सर, तो सिगा टोका के लिए कुछ लिया हुआ है अभी सर नेटू मारने का चालू था सर मेरा। पहले शुरुआत में करो क्या, नेटियो सेकंड में जाओ, पहले शुरुआत में एक 200 लीटर बैरल में 300 ग्राम कार्बनडिजम मेनकोजेक कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक फफूंदी नाशक, उसमें 200 ग्राम वाइसोनोमेटा सुक्रोज। हाँ, सुक्रोज। और
स्टिकर लेना है सिलिकॉन बेस, सिलिकॉन बेस इसका स्प्रेड कर देना है कहाँ तक, गर्दन तक के गर्दन जो पत्ते हैं ना इसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर देना है। दूसरा यही मिश्रण एक एकड़ के लिए ड्रिप से अप्लाई करना है, ड्रिप को पौधे के पास कर लेना है, ओके, ओके। है ना। और जिस दिन आप ड्रिप से पानी दोगे उसके 2 दिन तक पानी बंद करके रखना है। ओके सर, आपको रिकवरी भी मिलेगी और काफी सारा बदलाव भी दिखेगा, ये स्प्रेड नहीं होगा। दूसरा जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी मतलब क्या, अभी थोड़ा सा कभी वातावरण में बारिश का मौसम बन रहा है, कभी गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी कब बढ़ेगी, जब ठंडी आएगी, जब खेत में इस समय जब बात ऐसे आएंगे हम लोग तो पसीना चलेगा, घबराहट महसूस होगी, ऐसा होता है ना। जिस दिन आपको खेत में आने के बाद घबराहट महसूस हो, सिर से पसीना बहे, होता है ना, अभी 1 महीने बाद मुझे बताना आपने, जब ठंडी का मौसम आएगा ना तो आर्द्रता बढ़ेगी, उस समय ये जो फंगस है ये स्पोरल है, ये हवा में नमी जब जब बढ़ेगी तब तब ये स्प्रेड करेगी। उस समय अगर आपको लग रहा है कि ये बढ़ रही है या इसके ऊपर पेन से मार्किंग करके रखो, अगर बढ़ रही है तो उस समय फिर अल्टरनेटिव अलग से दूसरा हाथ लेना है। चलेगा, उसमें फिर प्रोपेकोनाजोल या हेक्साकोनल, हाँ, ये सारी चीजें ले सकते हो नेटिव, वो आगे वाली बात है। लेकिन अभी प्री प्रोटेक्शन के लिए कार्बनिज्म मैंगोज है और वाइसोनोमेटा के साथ में स्प्रे भी करना है और ड्रिंचिंग से भी दे देना है, तो ये अर्ली प्रोटेक्शन काफी मायनों में मुझे लगता है कि इसको ब्रेक कर देगा यहीं पे। और शेड्यूल में अभी थोड़ा सा पुशअप के लिए जैसे फॉस्फरस, नाइट्रोजन और पोटास बैलेंस में चलाना है, वो तो आपके मार्गदर्शन के हिसाब से चल रहा है। तो थोड़ा सा क्या है, पौधे की कैपेसिटी भी अच्छी रहेगी, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहेगी, तो इन चीजों को वो ड्रॉप करेगा, मतलब आने नहीं देगा जल्दी अपने पत्तों के ऊपर, क्योंकि पत्तों में आपके क्लोरोफिल की मात्रा एकदम ग्रीनिस्ट है, एकदम ग्रीन है, शाइनिंग है, ये भी पत्ता एकदम बढ़िया है, तो इसके ऊपर आने के लिए तो पहले उसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर पहले से ही हमने कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक फफूंदीनाशक डाल के रखा है, नीचे से भी सिस्टम में दे के रखा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करेगा, एक टीकाकरण का काम करेगा, हाँ, टीकाकरण है ना। तो ये चीजें अभी अप्लाई कर लो। बाकी तो आपकी मेहनत काफी अच्छी दिख रही है, पत्तों में कैनोपी वगैरह काफी अच्छी है, ये झिकझैक पैटर्न नहीं लगाया आपने, झिकझैक रहते तो और थोड़ा सा आपको फर्क दिखता, क्योंकि आमने सामने ये जो पत्ता लैपिंग कर रहा है ना, ये थोड़ा सा क्रॉस में होता है तो वो एक दूसरे की जगह पत्ता ले लेता है, ये एक दूसरे के ऊपर लैपिंग होने के बाद में ही दिक्कतें बढ़ती है ना। लेकिन ठीक है, काम करने से ही सीख मिलेगी। ओके ओके सर, थैंक यू।